मेरा नाम मोहम्मद सादिक मलिक है। मैं यहाँ पे इंचार्ज हेडमास्टर हूँ। यहाँ मैं मास्टर ग्रेड में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हेडमास्टर साहब की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। अभी तक हमारे पास जो है यहाँ पे 60 टीचर हैं, उनमें से एक ZDO ऑफिस में काम कर रहा है और 6 टीचर ही हमारे पास यहाँ दस्तयाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एकोमोडेशन है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक हमारे पास यहाँ पर एक ये ऑफिस का रूम है और उसके बाद हमारे पास 3 रूम्स हैं जो बच्चों के लिए है। उनमें 2 रूम्स हैं, उनकी हालत बड़ी खस्ता है, ख़राब है। तो जो आजकल समर कैंप भी यहाँ पे चल रहा है, हम जो 10th क्लास के लिए एक वो अच्छा कमरा था वो लगाया था, लेकिन समर कैंप में यहाँ पर हमारे पास करीबन 91 से लेकर 100 बच्चे रोज़ आ रहे हैं। तो वो 15-20 दिन के लिए हमें ये 9th की क्लास जो है पूरी बाहर बिठानी पड़ रही है। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल जो है वो यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो ये इस विलेज में है ही नहीं। अभी हमने बायोमेट्रिक स्टार्ट यहाँ किया है पिछले 7 दिन से, तो बायोमेट्रिक यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमें कठिनाई ये आ रही है बायोमेट्रिक जो है उसको चार्ज करने में हमें काफ़ी परेशानी आ रही है। यहाँ हमें सूंगड़ी लेना पड़ता है, तो आपको पता है कि यहाँ से सूंगड़ी तक 3.5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत परेशानी आ रही है। वैसे हमें ऑफिस में भी, जैसे बोर्ड ऑफिस में या सैलरी के लिए या दूसरे जो काम है ऑफिस के जो पढ़ते हैं, जो हमें जो भी स्टेटमेंट वगैरह सॉफ्ट और हार्ड कॉपी देने के लिए रियासी जाना पड़ता है, तो हमारे पास जो है बाकी बहुत कम स्टाफ रह जाता है। बाद में 5 रहते हैं, अचानक किसी को कोई परेशानी भी हो सकती है, तो अगर एट ए टाइम 2 को पड़े परेशानी तो हमारे पास 2 या 3 स्टाफ बच जाता है और काफ़ी कठिनाई आ रही है। और पिछले सेशन में हमें बहुत काफ़ी कठिनाई हुई यहाँ पर जो कम्प्लेक्स हेड है ये मंजीकोट, इसके अंडर 14 स्कूल्स हैं। यहाँ पर 1st to 7th जो है और फिर 8th क्लास का एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर लेना पड़ रहा है। और मैं इस पूरे कम्प्लेक्स में मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं घूमता हूँ स्कूलों में, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण हमारा पूरा डिप्लॉय हो जाता है, पूरा स्टाफ जो है उसी काम में डिप्लॉय हो जाता है। और T1 के लिए 1 महीना हमारे स्टाफ को परेशानी हो जाती है, बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं जब मार्किंग वगैरह करते हैं, और T2 भी जब आता है तो हमारे बच्चों को उस वक्त भी नुकसान होता है, जिसकी वजह से हम 10th क्लास को, स्पेशली जो बोर्ड की क्लास है, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई।